हाँ तुम वो कर सकते हो जो दुनिया में दूसरा नहीं कर सकता। अगर ठान लिया तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है दोस्त, ये दुनिया है। इसको एक भाषा बहुत अच्छे से आती है, वो है मतलब की भाषा। ये बहुत मीठी है, कोई तुमसे तब तक प्यार करेगा जब तक उसका मतलब न निकले। जिस दिन जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। दोस्त तुम एक छोटे बच्चे की तरह बनो, जो अगर ठान ले कोई चीज उसे चाहिए तो पेरेंट्स को मजबूरन उसे वो चीज देनी पड़ती है। हाँ मुझे पता है कि पेरेंट्स प्यार करते हैं तो चीज मिल जाती है, पर दोस्त वो जो जिद है ना चीज की चाह वाली, वो तुम्हारे अंदर कभी नहीं खत्म होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर की चाह खत्म हो गई ना तो तुम्हें ब्रह्मा भी सफल नहीं कर सकते। दोस्त तुम्हारे अंदर एक गलत फहमी है कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। हाँ मैं भी मानता हूँ ये बात, पर याद रखो कि किस्मत में जो होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो किस्मत में नहीं है वो मेहनत से मिलेगा। तुम भगवान से मांगते हो सफलता, अरे वो ईश्वर सब देने को तैयार है, पर क्या पता किसी बहाने से। तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, अरे क्या पता भगवान तेरे भरोसे हूँ कि ये कुछ करे तो मैं इसे दूँ। त्रेता में भगवान राम ने बाली को पेड़ से छुपकर मारा था, और उसी बाली में द्वापर में शिकारी के वेश में श्री कृष्ण को मारा था। तो सोच, जब उस किस्मत को लिखने वाले ने खुद को नहीं छोड़ा तो फिर तुम तो इंसान हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्त मुस्कुरा और शुरू हो जा। अगर तुमने ठान ली तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई मतलब कोई नहीं। दोस्त तुमने सोचा है कभी ऊपर वाले ने तुम्हें क्यों भेजा है? किसी कारण या उद्देश्य से ही भेजा होगा। दोस्त मेहनत करना शुरू कर, फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे विपक्ष में कौन है, कौन तुम्हें गिराने की साजिश बना रहा है। दोस्त तुम और तुमसे जलने वाला दोनों लोग पेट्रोल और माचिस की तरह हो तो तुमको पेट्रोल बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माचिस और पेट्रोल की कीमत में बहुत अंतर है। कीमत जलने वालों की होती है, ना कि आग लगाने वालों की। तो दोस्त बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और हाँ कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।